आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भी बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है कि आखिर क्यों कुछ सीटों पर वो नाकाम रह गई। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन किया जा रहा है कि कुछ सीटों पर भाजपा क्यों हार गई, क्या कमी रह गई थी। भाजपा लोकसभा चुनाव में कोई चूक करना नहीं चाहती। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि यह हमारे संगठन की बैठक है, संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए इस पर मंथन किया जा रहा है। विधानसभा में हम कैसे कुछ सीटों को हार गए, हमारे कार्यकर्ता नीचे तक कैसे कार्य करे, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारी 29 सीटों में से 28 सीटों पर विजय हुई थी, लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य 29 की 29 सीटों को जीतने का है। देखिए, बैठकें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आज मोर्चों की सभी की एक ज्वाइंट बैठक है, साथ ही दूसरी अन्य बैठकें भी हैं, विस्तारकों की बैठक है। ये बैठकें हमेशा लगातार हमारा हिस्सा रही है, कोई नई बात नहीं है। और मैं मध्य प्रदेश की सभी जनताओं को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जनता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देती हूँ, जिनके सहयोग से इतनी प्रचंड बहुमत हम सबको मिली है। और ये अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 46.62% वोट हम लोगों को मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये निश्चित ही डबल इंजन की जो सरकार जिसने काम किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी विकास हुए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं मध्य प्रदेश में, जितने विकास हुए हैं, जो हम कहते हैं कि अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की प्रगति को हमें सुनिश्चित करना है, वो धरातल पर चरितार्थ करके दिखाया है, उसी का ये परिणाम है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। ये हमारी संगठनात्मक बैठक है, हम लोग समय समय पर संगठन को की बैठक लेकर संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता नीचे बूथ तक कैसे मजबूती के साथ काम करें, ये हमारा एक हिस्सा है काम करने का। हारे हुए कैंडिडेट को भी लोकसभा की, बिल्कुल, जहां हमारी कमी रह गई होगी उसको और सुधार कर हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पिछली बार 29 सीट में से 28 पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था, इस बार 29 की 29 सीट पर कमल खिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।